नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पे। तो दोस्तों, आज हम सीटेट के 2019 में जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, कंडक्ट हुआ था, उसको सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीटेट को आपको क्लियर करना है तो आपको प्रीवियस ईयर करना ज़रूरी है। इसी को लेकर हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रहे हैं, सारे सॉल्व कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये बता दें, प्रैक्टिस सेट का जो सेट है वो क्यू है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी समावेशी शिक्षा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आया था, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुलक सांस्कृतिक शिक्षा या समावेशी शिक्षा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। दोस्तों, जैसे ही आप ऑप्शन में समावेशी शिक्षा देखें, मतलब सभी बच्चों को सब एक साथ बैठा के शिक्षा देने को कहा जाता है, तो तुरंत आप उस पर टिक कर दिया करिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि। तो दोस्तों, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी सांस्कृतिक का सम्मान करती है और महत्व देती है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तब। बच्चों को कक्षा कक्ष में प्रश्न कैसे पूछने चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये निगेटिव आंसर है, डिस्करेज नहीं करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए निगेटिव है, पूछने से रोकना चाहिए निगेटिव है। तो चौथा ऑप्शन है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो दोस्तों, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास है पहला ऑप्शन, तो दूसरा है निर्देश एवं संचालन, तीसरा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, और चौथा है कंठस्थीकरण यानी याद कराना। तो ये बिल्कुल गलत है। अगला सवाल देखते हैं, तो इसमें मैच करना है, प्रभावशाली बच्चे कैसे होंगे? तो दोस्तों, आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। तो प्रभावशाली बच्चों के साथ यहाँ आपको दिखा रखा है कि डी होगा इसमें, मतलब डी के साथ ये लोग गए हैं तीन बार। तो देखते हैं डी में क्या लिखा है। तो शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, तो जी बिल्कुल सही है, प्रभावशाली बच्चों के संदर्भ में। और साथ में एक ऑप्शन में ए भी देखता है, तो ए देखते हैं। धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, तो जी नहीं, प्रभावशाली बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचे तीन ऑप्शन, तो देखते हैं फिर क्या कह रहा है। दूसरा जो जा रहा है सी के साथ जा रहा है, तो सी देखते हैं, आसानी से विचलित होने की आदत होती है, तो बिल्कुल नहीं, ये प्रभावशाली बच्चों के का कार्य नहीं है। तो फिर और पहले ऑप्शन में डी के बाद दूसरा जो गया है अधिगम असक्तता, वो गया है ए के साथ, तो प्रभाव बढ़ने की कमी है। तो जी हाँ, हमारा सेवेंथ का आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला सवाल देखते हैं, बच्चों की गलतियाँ। तो दोस्तों, आठवें का आंसर हो जाएगा सेकंड, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों के अंतर्दृष्टि देती है। जी हाँ, अगला, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। अगला सवाल देखते हैं, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया।
जब शिक्षक को विद्यार्थियों में इनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विकास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। बाकी सारे निगेटिव हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, और आप कोशिश कीजिए कि जो पॉजिटिव आंसर हो बच्चे के संदर्भ में उसे ही टिक करें। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने को किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। तो दोस्तों 12वें का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, बच्चों को समस्या एवं सहानुभूति अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। वह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थी को स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों जो हमारा 13वां है ये है अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि। 14 क्वेश्चन देखते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों सारे बच्चे अच्छे होते हैं और हतोत्साहित डिस्करेज महसूस करते हैं तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देना चाहिए संभावना है। तो दोस्तों 14 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, संवेग एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। निम्नलिखित में से प्राथमिक समाजीकरण, तो प्राथमिक समाजीकरण बच्चे का परिवार से होता है। जीन पियाजे के सिद्धांत के प्रमुख प्रस्ताव है कि तो जीन पियाजे का प्रमुख सिद्धांत है बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जेंडर है, तो दोस्तों जब जेंडर पूछा जाए तो यह एक सामाजिक संरचना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है। तो दोस्तों 18 का आंसर हो जाएगा, अब ऑप्शन खुद ही पढ़ लीजिएगा, 18 का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 19 का आंसर हो जाएगा थर्ड, बुद्धि एक बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्व रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाना चाहिए। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषणों के रूप में देखना चाहिए। वाइगोट्सी के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों की विशेषता करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विचारों की अनुत्क्रमणीयता। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों 23 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर, सभी बच्चों सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। 24 चालक विकास की दर में व्यक्तित्व विविधताएं होती हैं फिर भी चालक विकास का क्रम जो होता है 24 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं किशोरावस्था। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, तो जस्ट दोस्तों 26 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर। सारे ऑप्शन सही है क्योंकि हमने एक भी आपको देखेंगे मिलाएंगे एक भी ऑप्शन गलत नहीं होगा जो मैं करा रहा हूँ। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। तो ये व्यक्तित्व वार्ता होती है। अगला सवाल देखते हैं। खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियां व्यवसायों एवं रंगों का विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यह जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ अनुभव लाती है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए।
एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंच की दवाई चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ में किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों वह दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं, अगले वीडियो में मैं आगे के सारे सब्जेक्ट भी करा दूंगा और इसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।